दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो किसके लिए फाइल करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से, दो रेट से ITR फाइल कर सकते हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजिम यानी कि पुराना रेट, और दूसरा है न्यू टैक्स रिजिम यानी कि नया रेट। तो सबसे पहले अगर मैं पुराने रेट की बात कर लूं तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। सबसे पहला, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनका उम्र 60 साल से कम है, तो अगर आपका साल का इनकम यानी कि आपका जो भी ग्रॉस एनुअल इनकम है अगर वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिनका उम्र 60 साल या तो उसके ऊपर है, तो अगर आपका साल का इनकम जो आपका ग्रॉस एनुअल इनकम है अगर वो 3 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको भी ITR फाइल करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका उम्र 80 साल या तो उसके ऊपर है, तो अगर आपका ग्रॉस एनुअल इनकम अगर 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और जो भी कंडीशन हमने डिस्कस किया, अगर आपका इनकम उससे कम है तो आप ITR फाइल नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके अलावा यहां पर जो दूसरा रेट था न्यू टैक्स रेट, तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से सिंपल सा बोला गया है कि आप कोई भी हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका साल का इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, और अगर उससे कम है तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा रूल यहां पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि भले ही आपका जो इनकम है वो कम है, फिर भी अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते, अगर आपको ITR फाइल करना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको क्यों ITR फाइल करना चाहिए, ITR के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।